नमस्कार दोस्तों, गौतम ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं यह जो बाइक है हमारे पास हीरो की स्प्लेंडर है BS6। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो स्टार्टर चैन होता है वो टूट चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको चैन नहीं दिख रहा होगा, हमने ओपन किया। हम ये जब प्रॉब्लम आया हमारे पास कि इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा, तो हमने इस साइड ओपन किया, हमें लगा वन वे का प्रॉब्लम है। बट ये वन वे का प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो स्टार्टर चैन होता है दोस्तों वो टूट चुका है। तो स्टार्टर चैन टूटने के कारण देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या नुकसान आया है इस बाइक में। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं और ओपन करके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आया है। इसके मैग्नेट को ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्या आया है दोस्तों। इसका चैन जो है टूट गया है या नीचे उतर गया है, हमें लगता है टूटा हुआ नहीं होगा। तो देख सकते हैं इस तरह आपको लगा लेना है एक प्लग रिंच और 17 नंबर का यहाँ पे गोटी आने वाला 17 नंबर। चलिए इसे ओपन करते हैं 17 नंबर का। तो मैग्नेट ओपन करना है अगर आपको दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 17 नंबर का गोटी लगना है और इस तरह से प्लग रिंच लेकर के आपको और इस तरह से आप पुश करेंगे तो आपका जो यहाँ पे होगा 17 नंबर का गोटी और एक वाशर यहाँ पे आने वाला, ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैग्नेट को ओपन करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्या क्या इसका अंदर टूटा है। बट उस तरह का कोई आवाज़ साउंड नहीं था बाइक से, मैंने पहले आपको नहीं दिखाया। बट मैंने जैसे ही ओपन किया तो हमें डाउट हुआ कि डाउट नहीं, हमें दिखा कि इसका जो चैन होता है दोस्तों, सेल्फ स्टार्टर का जो चैन होता है वो टूट चुका है। तो टूटने के कारण अब इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या नुकसान आता है। इस तरह का जब भी हमारा टूटता है तो काफ़ी प्रॉब्लम की। मारेंगे तो ये आपका मैग्नेट बाहर आ जाएगा, देख सकते हैं। देख सकते हैं हमारा वन वे है दोस्तों, ये भी अगर ख़राब हो जाता है तो सर इसी तरह का आवाज़ करता है। बट ये हमारा सही है, चलिए ओपन करते हैं। यहाँ पे 8 नंबर का टी रिंच से हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये जो स्टार्टर चैन है दोस्तों, देख सकते हैं टूट करके किस तरह से यहाँ पे फंस चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग चैन है, तो टाइमिंग चैन जो हमारा होता है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। टाइमिंग चैन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह कहीं से नहीं टूटा है। बट देख सकते हैं इसका जो स्टार्टर चैन होता है किस तरह से टूट करके और यहाँ पे गैप, ये BS6 बाइक है दोस्तों, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक जगह है गैप सा बना हुआ है जहाँ पे ये जा करके फंस गया है। और फंसने के कारण क्या हुआ कि बाइक में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और ये उसी जगह पर अटका हुआ था। तो जब हम सेल्फ को ले रहे थे तो वन वे जिस टाइप का आवाज़ करता है उस टाइप का आवाज़ आ रहा था, तो हमें लगा ऑन वे का प्रॉब्लम है। तो बट हमने इसे ओपन किया तो देख सकते हैं आप इसका जो स्टार्टर चैन होता है सेल्फ का, ये टूट चुका था। तो चलिए हम इसे रिप्लेस करते हैं दोस्तों और दिखाते हैं कि कैसे आपको रिप्लेस करना है। चलिए गलीमत है कि बाइक बच गया, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आया। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास सेल्फ का चैन है, चैन स्ट्रेटिंग। तो पार्ट्स नंबर आप देख सकते हैं हीरो कंपनी का है। तो ये पहले वाला का है दोस्तों, BS4 में BS3 में जो आता था। तो देखते हैं यही चैन लगता है या दूसरा आता है, तो ओपन करके इसे चेक करके हम देखते हैं। अगर ये नहीं आया दोस्तों तो हमें नया लाना पड़ेगा, अगर ये लग गया तो काफ़ी बेहतर है। तो चलिए ओपन करते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल नया है। और इसे हम मिला कर देख लेते हैं इसी साइज़ का है या अलग साइज़ है इसका, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से टूटा है। ये इस तरह से करके हम इसे तो देख सकते हैं ये सेम है लगभग। तो चलिए हम लगा के देखते हैं ये हमारा सेट होता है या नहीं होता। यहाँ से लॉक को हमें ओपन करना पड़ेगा, लॉक तो यहाँ से इसका लॉक को निकाल लेना है आपको, एक नोच प्लास रखना है और इस तरह से यहाँ से निकल जाएगा हमारा। उसके बाद ये आपका बाहर आ जाएगा दोस्तों। ये स्पॉकेट देख रहे हैं दोस्तों, ये जो सेल्फ का स्पॉकेट है ये हमारा जो BS6 में है वो अलग आता है, ये उससे छोटा साइज है, वो सेम नहीं लगता है। और इस तरह से लेकर के आपको और हमें ये बड़ा वाला स्पॉकेट हो गया। देख सकते हैं ये हमारा सेट हो चुका है, चलिए इसका लॉक लगा देते हैं। चलिए लॉक लग चुका है, चलिए अब इसके मैग्नेट को लगाते हैं।
पे ऐसे आपको पलक रिंच को रख लेना है। अच्छी तरह से फुल टाइट कर लेना है। चलिए अब एक बार हम चेक करके आपको दिखा देते हैं कि हमारा सेल्फ काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ये हमारा जो मैग्नेट है दोस्तों, ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो चलिए हम यहाँ से इग्निशन को ऑन कर लेते हैं और देख सकते हैं आप, देख सकते हैं हमारा सेल्फ काम कर रहा है। देख सकते हैं हमारा मैग्नेट कंप्लीट हो चुका है दोस्त। उसके बाद मैग्नेट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये कि यहाँ पे है जो इसे लॉक करके रखता है स्पॉकेट को। यहाँ पे देख सकते हैं जो वन वे का सेल्फ का होता है हमारा। तो ये आपका यहाँ पे लगना है, 8 नंबर का बोल्ट आने वाला है। चलिए ये हो चुका है। अब उसके बाद चलिए इसके मैग्नेट को लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने रीजनिंग बॉन्ड का हल्का हल्का यूज कर लेंगे। देख सकते हैं ये तो इस तरह का, क्योंकि यहाँ पे पैकिंग नहीं है दोस्तों। अब ये सी गाड़ी है तो अभी हमारे पास पैकिंग नहीं है। देख सकते हैं इसे आपको लगा लेना है, आपका कहीं कोई लीकेज नहीं आने वाला है। चलिए हम इसे चलिए फुल टाइट हो चुका है। देख सकते हैं इसका इंजन ऑयल भी इसका बिल्कुल ख़राब हो चुका है दोस्तों। तो इसलिए हम नया इंजन ऑयल डालने वाले हैं। तो नया इंजन ऑयल जो आने वाला है आपका, हम दिखा देते हैं आपको। तो देख सकते हैं हमने मुतुल का इंजन ऑयल ले लिया है 900 ml, और ये है 20W40। 900 ml है, आप यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं 405 रुपये आपके मार्केट पड़ने वाला है। देख सकते हैं कैप इसका ओपन है, और चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसका क्वालिटी आपको दिखा देते हैं, काफ़ी बेस्ट होता है, देख सकते हैं। तो चलिए इसके इंजन ऑयल को डालते हैं। चलिए तो हो चुका है, देख सकते हैं 900 ml हमने पूरा डाल दिया इसको। चलिए स्टार्ट करके हम आपको दिखाते हैं कि हमारा सेल्फ ले रहा है या नहीं ले रहा। तो देख सकते हैं इग्निशन को हम यहाँ से ऑन करते हैं दोस्तों, और देखते हैं हमारा सेल्फ काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो देख रहे हैं हमारा सेल्फ स्टार्ट है, दोबारा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देख रहे दोस्तों बाइक हमारा स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्ट है, सेल्फ ले रहा है। हम आपको माइक से दिखा देते हैं एक बार। तो सेल्फ है हमारा दोस्तों जो काम कर रहा है बिल्कुल, देख सकते हैं आप। तो देखा आपने कि इसका चैन था दोस्तों किस तरह से टूट चुका था। टूटने के कारण काफ़ी नुकसान हो सकता था, बट इनका नुकसान बच गया, क्योंकि जैसे ही टूटा ये मेरे पास बाइक को लेकर चला। आप अगर इसी कंडीशन में चलाते रहते अगर जाता तो बाइक का और भी पार्ट्स ये नुकसान कर देता। तो इस तरह का जब भी कंडीशन हो, आपका सेल्फ काम ना करे, अगर टूटने का प्रॉब्लम, तो आप जल्दी से मैकेनिक के पास जाकर के आप अपना रिपेयर करवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सीधा कटेगा वीडियो।